रमशा जल्दी कर दो, आ जाओ, क्या हो गया, इतनी देर हो गई है। ले लिया है मैंने, माही पर्स ले लिया सब। माही मेरी अरीबा से भी फ़ोन पर बात हुई है, वो सकलैन के साथ शाम को घर आएगी तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि तुम शॉपिंग कर लो अपनी शादी की। हाँ, और मेरी शॉपिंग का क्या होगा, मतलब मुझे भी तो मानू रबे की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। अभी सिर्फ माही को जाने दो बेटा, इसे अपनी पसंद की शॉपिंग करनी है ना, और वैसे भी शादी के लिए पैसों का इंतजाम भी तो करना है ना। अम्मी मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे ये फजूल की चीज़ें पसंद नहीं है, आपसे मुझे जो चाहिए था वो पहले ही मिल चुका है। बेटा आशिर उसकी अम्मी को बुरा लगेगा ना, और लोग क्या बातें करेंगे और किस किस को वजाहत देती फिर होगी बेटा। मेरी वजह से आपको किसी को वजाहतें देने की कोई ज़रूरत नहीं, और रही बात लोगों की, तो इस दुनिया के दबाव में आकर मैं अपनी ज़िंदगी के अच्छे या बुरे फैसले नहीं कर सकती। और फिर रही जहेज की बात, तो सकलैन भाई ने क्या कहा था कि आशिर के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, फिर हमें जबरदस्ती क्या जरूरत है उसके घर में वही चीजें ले जाकर भरने की जो पहले से वहां मौजूद हैं, किसी गरीब का भला कर देंगे उन पैसों से। अच्छा देर हो रही है, अब हम लोग चलते हैं, जल्दी आ जाओ, हमेशा तुम लेट कर देते हो। अल्लाह हाफिज़।